कपूर, जिसका प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है। बिना कपूर के पूजा को अधूरा माना जाता है। पूजा पाठ में इसके प्रयोग से घर और वातावरण शुद्ध हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कपूर स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी होता है? जी हाँ, कपूर में एंटी इंफ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक और एंटी कंजक्टिविले गुण होते हैं, जिससे इसका प्राकृतिक चिकित्सा में एक अहम स्थान है। कपूर एंटीऑक्सीडेंट का बेहतरीन स्रोत है, जो कई बीमारियों को ठीक करने में लाभकारी है। यही वजह है कि कपूर को प्राकृतिक गुणकारी इलाज में शामिल किया जाता रहा है। आमतौर पर बाजार में दो तरह के कपूर मिलते हैं। जिस कपूर से पूजा की जाती है वो कपूर सिंथेटिक का होता है। इसके अलावा खाया जाने वाला कपूर पूरी तरह से नेचुरल होता है, जो कि पेड़ की लकड़ी से या फिर छाल से तैयार होता है। भारत के कई राज्यों की रसोइयों में खाने वाले कपूर का इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़े कई तरह के फायदे देखने को मिलते हैं। अगर आप भी कपूर से होने वाले स्वास्थ्य लाभ पाना चाहते हैं, तो आइए इसके प्रयोग के बारे में जान लीजिए। सांस की समस्याओं का इलाज। pharmacy.in के अनुसार डिकॉनगेस्टिव गुण से भरपूर कपूर गले से लेकर फेफड़ों की सूजन को कम करता है। कपूर नसों पर काम करता है और कॉफ सप्रेसेंट के रूप में काम करके खांसी को कम करने में मदद करता है, जिससे सांस संबंधित समस्याएं कम हो जाती है। दर्द को कम करने में फायदेमंद। कपूर का इस्तेमाल तेज दर्द से निवारण करने में किया जा सकता है। कपूर मसल्स और जोड़ों में दर्द से राहत दिलाने में भी काफी मददगार है। त्वचा रोगों का इलाज। कपूर में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा में जलन व खुजली जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं, जो त्वचा को कई प्रकार के संक्रमणों से बचाते हैं। लो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद। एक्सपर्ट्स के अनुसार जिन भी व्यक्तियों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, उन्हें कपूर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। कपूर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों तरह के ब्लड प्रेशर के लिए फायदेमंद है। आइए अब जानते हैं कपूर का प्रयोग कैसे करना चाहिए। कपूर का बाम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। कपूर को तेल के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कपूर की क्रीम भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है। व्यंजनों में खाने वाले कपूर के अर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।